बिहार के औरंगाबाद में छठ का प्रसाद बनाने के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। नगर थाना के इफ्राहगंज स्थित एक घर में छठ का प्रसाद बनाने के दौरान हुए सिलेंडर ब्लास्ट में 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों में पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। सभी को औरंगाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना नगर थाना क्षेत्र के साहिबगंज मोहल्ले की है। आपको बता दें, जिले के नगर थाना क्षेत्र का साहिबगंज मोहल्ला धमाके की आवाज से दहल गए। यहाँ छठ व्रत के लिए प्रसाद बना रहे के श्रद्धालु के घर में गैस सिलेंडर से विस्फोट हो गया। पहले आग लगी थी और उसे बुझाने के दौरान फटे गैस सिलेंडर से आसपास के लोग और नगर थाने की पुलिस घायल हो गई। घायलों की संख्या 30 से ज्यादा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अनिल गोस्वामी के घर में छठ पूजा हो रही थी। परिवार के सभी सदस्य प्रसाद बनाने में जुटे हुए थे, तभी अचानक गैस रिसने से आग लग गई। इसके बाद मोहल्ले में भगदड़ मच गई। लोग आग बुझाने में जुट गए, लेकिन आग की लपटें तेज हो गईं। इसके बाद मोहल्ले वालों ने नगर थाने की पुलिस और दमकल की टीम को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम आग बुझाने में जुट गई, लेकिन अचानक घर में गैस सिलेंडर से ब्लास्ट हो गया। इसमें करीब 30 से अधिक लोग झुलस गए। घायलों में पुलिस और फायर ब्रिगेड कर्मी शामिल थे, जहां घायलों को इलाज के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया।